हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है एलएनटी की जो एसीबी में हमारी रिलीज होती है, माइक्रोप्रोसेसर रिलीज होती है SR18G, इसकी हम आज सेटिंग करनी सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर करना, इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये हमारी जो रिले होती है SR18G, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप, इस रिले में फ्रेंड्स हम चार तरीके की प्रोटेक्शन यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले लॉन्ग टाइम यानी ओवरलोड, शॉर्ट टाइम यानी कि शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट यानी कि ये ग्राउंड फॉल्ट है, और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस, ये इसकी एलईडी हो गई। ऐसे ही ये फॉल्ट आएगा तो उसकी एलईडी जलेगी, ये फॉल्ट आएगा शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आएगा तो उसकी एलईडी जलेगी, ऐसे लॉन्ग टाइम यानी कि ओवरलोड का फॉल्ट आएगा तो ये एलईडी जलेगी। देख सकते हैं आप, ये हमारा टेस्ट करने के लिए बटन, और ये क्लियर है, और ये हमारी क्वेरी। इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 800 एम्पीयर का ब्रेकर है, जो कि इसकी IN जो होती है वो 800 एम्पीयर। देख सकते हैं ये IN है जो हमारी 800 एम्पीयर है। इसके वोल्टेज 415 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज दोनों पे काम करता है। ICU 50K, ICS 100% ICU है, ICW 50K है फॉर 1 सेकेंड। यूटिलाइजेशन कैटेगरी बी है, देख सकते हैं CN-CS800S1, ये हमारा मॉडल नंबर है। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको इसमें लॉन्ग टाइम यानी कि ओवरलोड की सेटिंग करनी सिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये करू दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेटिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 1 से स्टार्ट होकर के 0.5 तक मिनिमम जाती है, 1.95, 0.8, इसी प्रकार ये लास्ट में हमारी 0.5 यानी कि 50% पर ये इसकी मिनिमम सेटिंग हो सकती है ओवरलोड की। उसके साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0.1, 1.0, इसी प्रकार 0.95, 0.9, 0.85, 8.75, 7.65, 6 और मिनिमम फ्रेंड्स जो जाती है 0.5 पे जाती है। आप इसके साथ में जो भी ये वैल्यू सेट करते हैं उसके साथ में इंटू IN करते हैं। IN देख सकते हैं यहाँ पे आप, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया IN हमारा यहाँ पे 800 है, 800 की इसके साथ में जिस पे भी हमारा ये जो एरो का निशान होता है उसी के साथ में इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, और हमारा जो ब्रेकर की ओवरलोड की सेटिंग है वही हो जाती है जो इसके पॉइंट के साथ में IN की वैल्यू आती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं हम इसको, आपको इसको मूव करके दिखा देते हैं, ऐसे इसकी सेटिंग करते हैं। जिस पर भी ये एरो का निशान चला जाता है वहाँ पे उसकी सेटिंग हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे 0.5 पे किया है तो 0.5 इंटू IN यानी कि ये 400 पे यहाँ पे इसकी सेटिंग हो गई है, और इसका टाइमिंग का जो ट्रिपिंग टाइम है वो 2.5 सेकेंड मिनिमम होता है, या और मैक्सिमम भी यही रहता है, इसका फिक्स है 2.5 ओवरलोड के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, इस प्रकार यहाँ पे यदि इस प्रकार ही हमारी लॉन्ग टाइम यानी कि ओवरलोड की सेटिंग हो जाएगी। अब हम करते हैं शॉर्ट सर्किट का। देख सकते हैं आप, शॉर्ट सर्किट की सेटिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सेटिंग ये है 6% है, ये मैक्सिमम मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 10 है, यानी 10 इसकी ये इंटू IN रहता है। IN का ये देख सकते हैं, ये IN के साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। IN हमारा है ये 800, देख सकते हैं IN हमारा 800 रहता है। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं यदि ये सेटिंग 2 पे होगी, 2 इंटू IN हमारा है 800 मतलब ये 1600 पे इसकी सेटिंग हो जाएगी। अभी हमारा 6 पे सेट है, देख सकते हैं 6 पे सेट है, तो 6 इंटू IN मतलब 800 या 648 या 48 यानी 4800 पर इसकी अभी ये शॉर्ट सर्किट का है वो टाइमिंग, इस पर इसकी सेटिंग हो रखी है। आप देख सकते हैं टाइमिंग इसकी 60 मिली सेकेंड पर सेट है, इसकी मैक्सिमम 600 तक इसकी मिली सेकेंड, इसकी टाइमिंग मिली सेकेंड में होती है, यानी 600 मिली सेकेंड पर ये ट्रिप हो जाएगा। यदि 600 मिली सेकेंड से कम रहेगा तो ये ट्रिप ही नहीं होगा, उस टाइम पे ये बचा रहेगा, ट्रिप नहीं होगा। उसके बाद देख सकते हैं ये ग्राउंड फॉल्ट का आप देख सकते हैं मिनिमम इसकी जो सेटिंग है वो 2.5 मैक्सिमम 0.6 हो सकती है, यानी कि 0.6 इंटू IN। देख सकते हैं IN हमारा 800 है जैसा कि मैंने दिखाया, तो इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उतनी यहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग हो जाएगी। इसको आप टाइमिंग को ऑफ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको ट्रिप कर सकते हैं, मैक्सिमम इसकी
जो सेटिंग है 400 मिली सेकेंड है, ये 100 मिली सेकेंड पे ये सेट है। तो ये 100 मिली सेकेंड जब इसका आएगा तो ये तभी ट्रिप होगा। देख सकते हैं आप, जैसे कि हम इसको अभी 0.2 पे सेट कर देते हैं, तो 0.2 पे सेट करने के बाद 0.2 इंटू IN, यानी कि IN हमारा 800 है, तो 0.2 के साथ में जैसे इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा, तो ये 160 पे ट्रिप हो जाएगा। यानी जब भी ग्राउंड फॉल्ट 160 एम्पीयर, यानी कि जो हमारा फेज है वो ग्राउंड से टच हो गया, R या Y B तीनों में से कोई भी एक ग्राउंड से टच हो जाएगा, तो हमारा ये ग्राउंड फॉल्ट शो करेगा और ये हमारा AC भी ट्रिप हो जाएगा 160 एम्पीयर जैसे ही उसमें फॉलो करेगा। देख सकते हैं आप 100 मिली एम्पीयर के बाद, उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस के लिए दी गई है सेटिंग। ये आप देख सकते हैं ये थर्मल मेमोरी है, ये इंस्टेंटेनियस ऑन या ऑफ, ऊपर को ये ऑन होता है, नीचे को ये ऑफ होता है। उसके बाद देख सकते हैं 12 IN और 6 IN, देख सकते हैं इसकी ये सेटिंग रहती है। तो ये थर्मल मेमोरी क्या होता है, जैसे हमारा फॉल्ट आया, थर्मल पे ट्रिप होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, थर्मल पे ट्रिप होने के बाद इसमें एक मेमोरी फीड हो जाती है, इसको हम ऑन ही रखते हैं, इसको ऑन कर देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने इसमें 100 मिली सेकेंड पे हमने इसकी ट्रिपिंग सेट कर रखी है अर्थ फॉल्ट की, और 100 मिली सेकेंड तक ये इसको ऑन नहीं कर सकते, यानी ये ऑन नहीं होगा। यदि हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये ट्रिप हो जाएगा, तो उसी हिसाब से ये इसकी मेमोरी फीड हो जाती है कि उसके बाद ही ऑन होगा। जैसे हमारी ओवरलोड होती है ना, नॉर्मल ओवरलोड, जब उसका एक कॉन्टैक्ट गर्म हो जाता है, उसी के हिसाब से ये काम करता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस के लिए है, आप देखें इंस्टेंटेनियस के लिए है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में क्या है, ये 6 IN हमारा 800 है, तो इंस्टेंटेनियस में 6 IN पे इसको ये सेट हमने इसको कर दिया है 12 पे भी। आप कर सकते हैं, आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं टेस्ट बटन है, जब इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई 24 वोल्ट इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई होती है इसकी, जो उसमें डाल देंगे तो हमारा ये पावर अप, यानी पावर अप आ जाएगी। उसके बाद जो हमने सेटिंग किया है इसको टेस्ट करेंगे, हम दबाएंगे तो सबसे पहले ये वाला कॉन्टैक्ट पिक होगा और ये LED जल जाएगी, तो हमें पता रहेगा, तो हम टेस्ट का कॉन्टैक्ट चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद क्वेरी, जो हमारा लास्ट फॉल्ट आया था उसको हम चेक कर सकते हैं, हमारा लास्ट फॉल्ट क्या आया था उसके हम क्वेरी कर सकते हैं। और क्लियर, हमारा जो फॉल्ट आया है जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे ब्रेकर ऑन ही नहीं होगा, यानी ट्रिप होता रहेगा थर्मल मेमोरी के अकॉर्डिंग। ये इसमें ऐसी फैसिलिटी दी गई है, देख सकते हैं ओवरलोड होगा तो ओवरलोड की LED आएगी, शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट की LED आएगी, इसी प्रकार ग्राउंड फॉल्ट होगा तो ग्राउंड फॉल्ट की LED आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये हम ये सिस्टम से ये टेस्ट किट है, यहाँ से इसको आप रिले को टेस्ट भी कर सकते हैं सिस्टम के द्वारा, जिसका सॉफ्टवेयर होता है अपने सिस्टम में डाउनलोड करके उससे भी इसको आप कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारी जो है SR18G रिले है, इसकी मैंने आपको सेटिंग कैसे करते हैं ये आपको बता दिया है। अब हम इसका एक बार इसका टेस्ट हम कर नहीं सकते हैं, इसका आपको ग्राउंड फॉल्ट का टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ सप्लाई डाल करके, यानी कि करंट मैं इसमें डालूँगा 0.2 पे मैंने सेट किया है, उसके बाद मैं 160 एम्पीयर इसमें डालूँगा तो ये ट्रिप हो जाएगा और ये वाली पावर अप हो जाएगा, क्योंकि ये सेल पावर है। मिनिमम 10% जो हमारा लोड होता है, इतना करंट आने पे ये ऑटोमेटिक पावर अप हो जाता है, और जैसे ही इसमें करंट चलता है ये ग्राउंड फॉल्ट में ट्रिप होगा और ये इससे ट्रिप होगा स्टेटलेस वाला LED आ जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अर्थ फॉल्ट करके आपको दिखाने वाले हैं, AC भी हमने ऑन किया हुआ है, ये पावर अप हो जाएगा जैसे इसमें मिनिमम 10% करंट चलेगा। देख सकते हैं हमारा करंट सोर्स है, हम इसी से प्राइमरी करंट इंजेक्शन करने के बाद माइक्रोप्रोसेसर जो हमारी रिलीज है इसको हम ऑपरेट करने वाले हैं। देख सकते हैं हमने इसको लगभग 30 एम्पीयर हमने इसमें दे दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पावर अप हो गया है, देखिए यहाँ पे ये पावर लिखा है, यहाँ पे इसमें LED ग्लो करने लगी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पावर में LED ग्लो करने लगी, क्योंकि मिनिमम 10% करंट देने के बाद ये LED ग्लो करने लगती है। अब हम इसको हमने इसकी अर्थ फॉल्ट की सेटिंग 0.2 पे की हुई है, यानी 160 एम्पीयर पे आकर के ये ट्रिप हो जाएगा। देखिए हम इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ऐसी भी हमारा ऑन है, देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का आपको देख रहे हैं ऑन है, और ये देखिए यहाँ पे हमारा ग्रीन LED
रेड एलईडी ग्रीन में चेंज हो गई और ये ब्लिंक करने लगी। जैसे ही इसमें 160 एम्पीयर आएगा ये ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड है यहाँ पे, ये वाला रेड रेड आइकन हमारा ग्रीन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 170 का लगभग ये देखिए ट्रिप हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ट्रिप हो गया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिप हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको आपको देख सकते हैं ट्रिप होता हम क्योंकि एसी भी ऑफ हो जाता है तो हम देख सकते हैं लास्ट फॉल्ट हमारा क्या आया था। तो क्वेरी में हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड फॉल्ट की एलईडी आप देख रहे हैं जल रही है। क्लियर कर देंगे तो फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया है। ओके फ्रेंड, टेस्ट करेंगे तो टेस्ट आएगा नहीं क्योंकि मिनिमम इसको 24 वोल्ट डीसी चाहिए चाहिए टेस्ट करने के लिए, तो टेस्ट का हम फंक्शन यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार जो सी पावर एलएनटी की माइक्रोप्रोसेसर रिलीज होती है SR18G, इसकी हमने टेस्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको करना सिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।